हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पॉइंट इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो जो है एमसीए का एक कॉलेज है जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, नाम है काइट गाजियाबाद। उस कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही डिमांड था इस कॉलेज का, बहुत से बच्चों ने हमारे पर मैसेज किया सर इस कॉलेज का रिव्यू दीजिए, तो मैं उसका रिव्यू लेके आपके सामने आया हूँ। और इसका कुछ जो मेजर पॉइंट था वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें एक दो पॉइंट मैंने छोड़ा है, वो है कि यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में, ठीक है। उसका रीजन था कि लगभग जो फैसिलिटीज वो सारे कॉलेज में सिमिलर होते हैं, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है, तो वो गिनाना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि अगर कॉलेज का जो फैसिलिटीज है वही गिनाऊँ तो अच्छी बात है, बट लेकिन सारी फैसिलिटी एग्जैक्टली दिखाना कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने उस चीज को स्किप किया इस वीडियो में। जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कोई भी कॉलेज का तो उसमें मैं ऐड कर लूंगा, अगर आपकी इच्छा होगी आप लोग कहेंगे तो। अब कॉलेज के बारे में बताऊं, कॉलेज का नाम है काइट, पूरा नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज 1998 में स्टेब्लिश हुआ था। यह एक प्राइवेट कॉलेज है जो अब्दुल कलाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा अफिलिएटेड है। इसका कैंपस लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है। लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन जो इस कॉलेज का है वो गाजियाबाद है। गाजियाबाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। काइट जो कॉलेज है वो TIER थर्ड कैटेगरी में आता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो है एमसीए का एक अलग से डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिस कॉलेज में अलग डिपार्टमेंट होता है एमसीए का, वहां पर एमसीए का अलग से ध्यान रखा जाता है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग। एडमिशन का प्रोसेस आप दो तरह से ले सकते हैं। पहला है कि इनकी वेबसाइट पे आप जाइए, आप एक फॉर्म को फिल करिएगा, जिसके थ्रू एडमिशन कम लेते हैं, 15% लेते हैं, लेकिन जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, भरते बहुत से बच्चे हैं लेकिन सिलेक्ट उसी को करते हैं जिन बच्चों का जो मार्क्स होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। और लास्ट में उन बच्चों को भी कॉल करते हैं लोग अगर उनकी सीट फुल नहीं होती है थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा तरीका क्या है, ये एक इस साल CUET 2022 द्वारा भी एडमिशन लेने वाले हैं, उसमें 85% सीटें भरी जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 180 है, आप 85% CUET द्वारा भरेंगे, ठीक, और 15% सीटें आपका फिल किया जाएगा डायरेक्ट एडमिशन से, ठीक। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, 50% कम से कम मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में, आपने बीसीए बीएससी कुछ किया हो या बीए किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपका 10+2 में मैथमेटिक्स हो या ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स हो किसी एक साल या ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फीस का। कॉलेज का फीस थोड़ा ज्यादा है, 1,38,499 रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चार्ज और देना पड़ता है, 7,865 रुपए देना होगा, वो है यूनिवर्सिटी फीस, ठीक। इसके अलावा जब आप काउंसलिंग के थ्रू आएंगे CUET द्वारा तो आपको 20,000 रुपए देना होगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते तो 12,000। ये कितना, ये जो रुपए आप देंगे वो किस लिए देंगे, ये आप अपनी सीट को लॉक करने के लिए देंगे, ठीक। जब आप पे कर देंगे तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि आप सीट लेना चाहते हैं, इसलिए पे किए हैं। अगर आप फी वेवर कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको 14,591 रुपए का DD बनवाना पड़ेगा, मतलब डिमांड ड्राफ्ट, किसके नाम से, इन द फेवर ऑफ काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक। अब मैं बात करता हूं हॉस्टल की। यहाँ पर टोटल 5 बॉयज हॉस्टल है, 3 गर्ल हॉस्टल है, और हॉस्टल फीस मैं यहाँ बताना चाहता हूं बट लेकिन इन्होंने ऐसी कोई भी डिटेल्स ऑफिशियली नहीं दिया है अपनी वेबसाइट पे। अगर मुझे मिलेगा या मैं बात करूंगा कॉलेज में, ये लोग बता देंगे, तो मैं ये जो हॉस्टल फीस है इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। फैसिलिटीज की बात करूं तो यहाँ पर कराटे कराते हैं लड़कियों से भी, योगा होता है, मेहंदी कंपटीशन लड़कियों से होता है, ठीक। इसके अलावा न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, ठीक, रंगोली कंपटीशन यज्ञ करवाया जाता है, होली सेलिब्रेशन, जो भी चीजें होती है सब होता है। गर्ल बॉयज सब सेलिब्रेट करते हैं, गर्ल्स अलग करते हैं, बॉयज अलग करते हैं। ये है, आप मास्टर कर रहे हैं तो इतना इतना बाउंडनेस नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है इस कॉलेज में गर्ल्स एंड बॉयज में कि इतना आपको घुलने मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, उनका मकसद होता है प्लेसमेंट करवाना, तो वो उस चीजें फोकस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, साथ में आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, कॉमन रूम मिल जाएगा, एयर कंडीशनर होता है जहाँ पर आप टीवी देख सकते हैं और गपशप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी रूम होता है जो भी एयर कंडीशनर है, वेंडिंग मशीन होता है, साथ में एक कैफेटेरिया मिलेगा आपको, मेस मिलेगा जो कि एयर कंडीशनर है, एंड साथ में जिम मिलेगा वो भी एयर कंडीशनर है। नेक्स्ट बात करता हूँ प्लेसमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो का। जो भी डेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डेटा जो है काइट गाजियाबाद द्वारा प्रोवाइडेड है, इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी वेबसाइट पे चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। 2021
22, 20 एंड 19 चार्ट्स का डेटा ने दिखाया है। इस डेटा के बेसिस पे कुछ मैंने अपनी रिसर्च अलग से की है, उसके बिहाफ पे ये चीज मैं बता रहा हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि एक्चुअल प्लेसमेंट एक्चुअल परसेंटेज क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वो भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। प्लेसमेंट अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 2.9 लाख पर एनएम के हिसाब से ऑन कैंपस प्लेसमेंट जाता है। हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया है 10 लाख, वो भी 2020 में, और 2022 में प्लेसमेंट घट गया, हाईएस्ट 8 लाख रह गया था। लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो ये काफी अच्छा है। डे पर डे ना कह करके ईयर पर ईयर ये प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ रहा है। 85 से 90% प्लेसमेंट एवरी ईयर हो जाता है। अगर मैं यहां पर एक एवरेज बच्चे का पैकेज की बात करूं पर मंथ के हिसाब से, तो 20 से 21 हजार पर मंथ के हिसाब से यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं वो इतना पैकेज लेते हैं पर मंथ के हिसाब से। इन हैंड सैलरी उनको इतनी मिल जाती है 20 से 21 हजार। एवरेज एवरेज मतलब 60 से 70% बच्चे इतना होते हैं, और बच्चे अच्छा सा पैकेज लेते हैं, कोई 50 हजार महीने को उठा रहा है, कोई उससे अधिक उठा रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक, जो मेजर रिक्रूटर्स हैं इस कॉलेज का वो है, पहला है मोबोलाइट, सेकंड है इनो डेटा, थर्ड है के सॉल्व्स, एंड फोर्थ है एनएस मैट्रिक्स। एनएस मैट्रिक्स इनका रेगुलर मतलब लगभग एवरी ईयर का रिक्रूटर्स है। क्लाउड इनोलॉजी भी आई है 2-3 साल लगातार। कैप जिमनी इनका रिक्रूटर्स है ही, साथ में एक्सेंचर एंड कॉग्निजेंट जैसे कंपनी भी आती है, साथ में टीसीएस भी आती है। इसके अलावा और भी कंपनियां आती है, लेकिन जो मेजर रिक्रूटर्स किए रिक्रूटमेंट किए हैं लास्ट 2-3 ईयर में वो ये कंपनियां हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। ठीक, और जब भी CUET 2022 का स्टार्ट होगा, प्रोसेस काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ अपडेट इस चैनल पे मिलेगा, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। ठीक, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए अपडेट, किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।